गिरीश तिवारी गिरदा जिस समाज की बात करते थे, जिस समाज की पीड़ा को अपने गीतों के जरिया स्वर देते थे, जो जनता की पीड़ा, जनपीड़ा को जिन बातों को लगकर, जिन उनके जो गहन जो उनकी पीड़ा थी उसको स्वर देकर लोगों तक पहुंचाते थे, उसी अंदाज में हम उन्हें याद कर रहे हैं। क्योंकि वो हमेशा, कभी उन्होंने बड़ी गोष्ठियों की और बड़ी बैठकों की बात नहीं करी, हमेशा सड़क पर आम आदमी की आवाज़ उठाते थे। उनको श्रद्धांजलि उन्हीं के अंदाज में सड़क पर उनके गीतों को गाकर, उनके जनगीतों को गाकर हम उन्हें यहाँ उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं कि जो समाज में जो स्थितियाँ आज मौजूदा समय में हो रही हैं उनसे निजात मिले और गिरदा के गीत आगे बढ़ते जाएँ और जनता में चेतना जागृत कर जाएँ। यही भाव गिरदा की 8वीं पुण्यतिथि है। गिरदा एक विचारशील, एक धारा का प्रतिनिधित्व करते थे जो मजदूर, किसान, छात्र और नौजवानों की के पक्ष में जाके खड़े होते थे। उन्होंने हमेशा शोषण, अन्याय, अत्याचार का विरोध किया। इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी को ताक पर रखा। उन्होंने कभी किसी सत्ता का के आगे वो झुके नहीं और हमेशा जनता के साथ बीच में जाकर उन्होंने संघर्ष किया है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि गिरदा को याद करने का मतलब है उत्तराखंड के शोषण, दमन, अत्याचार के खिलाफ एक बेहतर उत्तराखंड बनाने के पक्ष में अगर हम काम कर सकें तभी हमारी गिरदा को असली श्रद्धांजलि होगी। तो उत्तराखंडी जनता से हम कहना चाहते हैं कि आज गिरदा को इसलिए याद किया जाएगा और हर सड़क पर चलने वाला आदमी उसको न्याय मिले, और यही गिरदा को श्रद्धांजलि है और इसीलिए उनको याद भी किया जा रहा है।